सेल्फ के लिए है और जो फर्स्ट हाउस है उसका म्यूनिपल वैल्यूएशन थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये जो सेकंड हाउस है इसका म्यूनिपल वैल्यूएशन थाउजेंड रुपीज और इसको लेट आउट किया गया है यानी कि रेंट पे दिया गया है फाइव थाउजेंड पर मंथ पहले फर्स्ट हाउस का सब चीज देख लेते हैं तो म्यूनिसिपल टैक्स है सिक्स थाउजेंड फर्स्ट हाउस का लैंड रेवेन्यू हंड्रेड लैंड रेवेन्यू से हमको मतलब नहीं रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस थर्टी टू थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन लोन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में होता है तो उसकी कुछ लिमिट होती है और वो डिपेंड होता है डेट पे तो वो हम देख लेते हैं पहले वैसे तो इस क्वेश्चन में डेट नहीं मेंशन है लेकिन ये मेंशन है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखवाया था आपको इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर वन अप्रैल नाइनटीन फॉर पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर्स और रिन्यूवल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई लोन 1999 को या 1999 के बाद लिया गया है रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर या रिन्यूअल के लिए तो उसका लिमिट जो है वो थर्टी थाउजेंड रहेगा केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड बाकी जो लेटआउट वाला केस होता है उसमें कोई लिमिट नहीं है अभी लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड वाले केस में लिमिट होता है ये रिपेयर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए तो थर्टी थाउजेंड तो लिमिट तो केवल थर्टी थाउजेंड है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है थर्टी टू थाउजेंड तो हमको उससे मतलब नहीं है हम केवल सेल्फ ऑक्युपाइड पे थर्टी थाउजेंड तक लिमिट मिलता है सेल्फ के ऑक्युपाइड के केस में एनुअल वैल्यू तक सब कुछ निल होता है लेस करते हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन तो थर्टी नहीं लेंगे हम सिर्फ थर्टी लेंगे क्योंकि ये लिमिट होती है सेल्फ ऑक्युपाइड के केस के के में और रिकन्स्ट्रक्शन के केस के में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 ये हम नहीं लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी में सेकंड हाउस जो लेट आउट है उसका देख लेते हैं म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 इसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस कर देते हैं लैंड रेवेन्यू हम नहीं लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउस ट्वेंटी ये हम एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है और इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है इसलिए ये नॉट कवर्ड वाले क्वेश्चन से लेट आउट वाला सॉल्व होगा कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री हैं देखते हैं सबसे पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कर लेते हैं फिर एक बार आउट वाला कर लेंगे फॉर्मेट बना लेंगे हम पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्राम हाउस प्रॉपर्टी फॉर देंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्यूनिसिपल टैक्स सब कुछ नील होता है तो एनुअल वैल्यू भी जो है वो नीला आ जाता है सेल्फ के ऑक्यूपाइड के केस में इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर सबसे पहला हम लेते हैं इसमें थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू तो एनुअल वैल्यू खुद ही निल है तो ये निल हो जाता है दूसरा लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है थर्टी टू थाउजेंड लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ये रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर तो फिर थर्टी थाउजेंड रुपीज लिमिट होता है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तक हम कैलकुलेट करते हैं वो भी नहीं दिया है तो नहीं लेंगे ये इसको हम आउट कॉलम में लिख देंगे थर्टी थाउजेंड भाई जीरो में से आप ये लेस करोगे यही आ जाएगा माइनस थर्टी थाउजेंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब हम करेंगे लेट आउट वाला केस सॉल्व लेट आउट में भी सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर देंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ये लेट आउट वाला कंडीशन है और इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो नॉट आउट वाला फॉर्मलाएंगे सब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू फिर उसके बाद हम लेते हैं एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट मुनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है सेकेंड हाउस का फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे एक्चुअल रेंट दिया हुआ है फाइव थाउजेंड पर मंथ तो फाइव थाउजेंड रुपीज़ इंटू ट्वेल्व या आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा ग्रॉस एनअल वैल्यू सिक्सटी थाउजेंड रुपीज इसमें से पहले हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर तो इसमें दिया हुआ है टेन थाउजेंड रुपीज वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट नहीं दिया है तो इसको हम सीधे आउट कॉलम में लिख देंगे वैकेंसी और अनलाइज दिया होता तो उसको भी हम पहले लेस करते वो नहीं है उसके बाद उसको लेस कर देंगे ये आ गया हमारा फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड आ गया हमारा एनअल वैल्यू इसमें से हम लेस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर सबसे पहला डिडक्शन होता है थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू जो कि होगा थर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यह आ गया फिफ्टीन थाउजेंड उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर जो कि है ट्वेंटी वन हंड्रेड की मैंने क्वेश्चन में और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड वो भी नहीं दिया हुआ है तो फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे फिफ्टीन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी वन हंड्रेड या आउट ऑफ कॉलम में हम लिखेंगे सेवेंटी सेवेंटीन थाउजेंड वन हंड्रेड इसको हम लेस करेंगे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज में से यह आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज यह आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये जो लेट आउट वाला था उससे आ गया थर्टी टू थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब हमको बोला है टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स का कैलकुलेट करना है तो पहले ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आया था आपका थर्ड सॉरी ये आया था थर्टी थाउजेंड लॉस हो गया था सेल्फ ऑक्यूपाइड में और लेट आउट वाले कंडीशन में थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड का गेन तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे वो आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर एक्स तो हम लिखेंगे इनकम फ्राम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से आया है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का लॉस और लेट आउट से आया है थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ का गेन तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स